गया जी में ही पितरों का श्राद्ध क्यों करें। गया की प्रसिद्धि पितृतीर्थ के रूप में सर्वविस्तृत है। यहाँ गयासुर के शरीर पर यह पितृतीर्थ अवस्थित है और गयासुर के वरदान के फल स्वरूप स्वयं भगवान विष्णु पितृदेव के रूप में विराजमान है एवं उनके साथ समस्त देवता एवं पितर का नित्य निवास है। श्रद्धालु जन अन्य तीर्थों की यात्रा स्नान दान देव दर्शन पुण्यार्जन आदि की दृष्टि से भी करते हैं, किंतु गया जी में तो विशेष रूप से श्राद्धादि कर्म संपन्न करने के लिए ही प्रायः यात्री जाते हैं। यहाँ पितरों का नित्य निवास है और यह तीर्थ पितरों को अत्यंत प्रिय है। कुर्म पुराण में स्पष्ट वर्णित है पितृणाम चाति वल्लभम। यहाँ तक कहा गया है कि श्राद्ध करने की दृष्टि से पुत्र को गया में आया देखकर पितृगण अत्यंत प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लगते हैं। गया प्राप्तम सुतम दृष्ट्वा पितृणाम उत्सवो भवेत, वायु पुराण में वर्णित है। पूर्वजों को उतारने वाले सभी देवता सर्वाक्षरमय ओंकार तथा सभी देवताओं सहित भगवान विष्णु यहाँ आदि गदाधर नाम से निवास करते हैं। यही वह धर्मशिला भी है जो प्रेत योनि से मुक्ति दिलाती है। अंतः सलीला फल्गु नदी यहीं बहती है। विष्णुपद तीर्थ में भगवान आदि गदाधर के पवित्र चरण विद्यमान हैं। यहाँ वह अक्षय वट है जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है और सभी सत्कर्मानुष्ठानों को के फल को अक्षय बना देने वाला है। ब्रह्मज्ञान गया श्राद्ध गौशाला में मृत्युलाभ तथा कुरुक्षेत्र में निवास ये चार कर्म पुरुषों के लिए मोक्षदायक हैं, किंतु महर्षि श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि इनमें से पुत्र द्वारा गया में जाकर श्राद्धादि कर्म करने का विशेष महत्व है। ब्रह्मज्ञानम गया श्राद्धम गोगृहे मरणम तथा वासः पुंसा कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषा चतुर्विधा। ब्रह्मज्ञानेन किम कार्यम गोगृहे मरणेन किम वासेन किं कुरुक्षेत्रे यदि पुंसो गयाम व्रजेत, वायु पुराण में इसका स्पष्ट उल्लेख है। चाहे श्राद्धादि कार्य कहीं किसी क्षेत्र में संपादित हो रहे हों, लेकिन प्रारंभ में गया जी का स्मरण करके ही प्रारंभ होता है। श्राद्धारंभे गयाम ध्यात्वा ध्यात्वा देवम गदाधरम स्वपितृन मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धम समाचरित। अतः पूर्वजों के उद्धार के लिए सर्वश्रेष्ठ तीर्थ गया जी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है।